क्या दिया है? A ball was thrown downward from a roof with speed u. ठीक है, इट स्ट्राइक्स द फ्लोर इलास्टिकली का मतलब हुआ नो लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड बाउंसेस बैक टू ए हाइट 10 meters अबोव द रूफ. फाइंड यू, ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और करने की कोशिश करिए, आप लोग कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 6, The block was pressed against the spring by an amount X. Upon release, it rises to a height H on the smooth surface. Find H. Find H. H पता करना, कितना सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई कर सकता आप में से. तो दो दो क्वेश्चन करके करेंगे, पहले आप लोग इसको थोड़ा सोच लीजिए, फिर मैं करता हूं. क्वेश्चन नंबर 5 देखो कितना सिंपल है. पहले क्वेश्चन को समझो, तो किसी एक छत के ऊपर से कोई बॉल को यू वेलोसिटी में फेंका गया और वो नीचे आया और टकराया ग्राउंड के साथ टकराने के बाद उछला. जब उछला तो कितना दूर गया? छत से भी 10 मीटर ऊपर तक गया. ये 10 मीटर है. बोला है कि देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन. देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कोई लॉस नहीं है, ठीक है, कोई लॉस नहीं हुआ इसमें. अच्छा, अगर कोई लॉस नहीं हुआ तो हम कहेंगे एनर्जी तो हर जगह बराबर है, तो हम सीधे कहेंगे एनर्जी एट ए एंड एनर्जी एट बी आर सेम. सीधे सीधे ऐसे बोलेंगे, क्या कहेंगे सॉल्यूशन में कहेंगे एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी. तो ए टू बी मोशन में इन ए टू बी मोशन देयर इज अ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एंड देयर मस्ट बी सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी. लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी.
लॉस इन कैटेगरी कितना है, शुरू में क्या था, मास तो दिया नहीं सर, चलो एक्शन कर लो, हाफ एम यूज किया। बी में, बी में जब पहुंचा वो हाइस्ट पोजिशन था तो वेलोसिटी जीरो था, तो हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जीरो इज इक्वल टू कितना पोटेंशियल एनर्जी गेन किया, 10 मीटर ऊपर गया है, एम जी 10 नहीं, अब ये एम कैंसिल हो गया, जी को अगर हम 10 ले लेते हैं, इट इज कमिंग 10√2 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू आशुतोष, यू कुड डू इट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में करेंगे तो कैसे करेंगे, जब हम इसको स्प्रिंग के अगेंस्ट में कंप्रेस किए बाय ए डिस्टेंस h, तो एनर्जी तो स्प्रिंग में था, जैसे छोड़ दिए फिचक के गया, यहां तक चढ़ा का मतलब हुआ यहां पे वेलोसिटी जीरो है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। अच्छा ये वेलोसिटी यहां पर अगर जीरो हो गया तो सोचो और बताओ कि ए से बी तक का मोशन में हुआ क्या है, क्या इज देयर एनी गेन इन काइनेटिक एनर्जी, नो सर, व्हाई, इनिशियल वेलोसिटी वाज जीरो, फाइनली आल्सो वेलोसिटी जीरो, इज देयर एनी गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यस इट हैज गॉन अप टू ए हाइट h। अच्छा ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिला कहां से मिला, क्योंकि वो स्प्रिंग में एनर्जी था वो कन्वर्ट हो गया, तो हम कहेंगे हियर ए टू बी सॉल्यूशन में लिख रहे हैं, ए टू बी मोशन में गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉस इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और कितना हुआ गेन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, वो h हाइट तक गया है तो mgh स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, अरे इसको x दबा के रखे थे ना तो स्प्रिंग में कुछ एनर्जी था, जब ये छोड़ के भाग गया स्प्रिंग रिलैक्स हो गया, सारा एनर्जी खत्म हो गया, सारा मतलब कितना था, था हाफ के x स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर, मिल गया h का वैल्यू, इट इज कमिंग k x स्क्वायर बाय 2mg, beginning so the height to which it will climb is kx square by 2mg, such a simple question। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन हुआ क्या है, हुआ यूं है कि ये कोई एक ब्लॉक इसमें लगा था, ये ब्लॉक है, ठीक है, अब ये था के, ये था M, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। The block was hanging in equilibrium. The block was hanging in equilibrium. What work is to be done by an external agent to lift it to the position of natural length of spring, natural length of spring, अब इसको यहां से उठा के स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ तक लाना है, कितना वर्क करना पड़ेगा,
थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन आप लोग तो कर लोगे मुझे मालूम है। थिंक यू कैन डू नो। अब इसको उठाने में स्प्रिंग का एनर्जी कम हो जाएगा मालूम है, लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा है कि नहीं? तो यस तो सॉल्यूशन बनाते हैं। ये हो गया स्प्रिंग, ये हो गया ब्लॉक, ये हो गया नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ मतलब ये कितना नीचे तक गया हुआ था, इट हैज गॉन टू ए डिस्टेंस x। हियर व्हाट इज x? mg by k। आप कोई फोर्स लगा के इसको उठाओगे यहां तक, आप देख लो यहां पे इसके पास क्या एनर्जी था, यहां पे इसके पास क्या एनर्जी है ना? ये था पोजीशन वन, ये था पोजीशन टू। अगर हम इसी को रेफरेंस लेते हैं तो हम कहेंगे एनर्जी एट पोजीशन वन, एनर्जी एट पोजीशन वन, तो आप कहोगे इज इक्वल टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और एक्स का वैल्यू क्या था एमजी बाई के, सो इट इज कमिंग आउट टू बी एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई टू के। एनर्जी एट पोजीशन टू, एनर्जी एट पोजीशन टू को हम इधर लिखेंगे एनर्जी एट पोजीशन टू इज अगेन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्रॉस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना है, अब ये नेचुरल लेंथ तक उड़ गया है तो हो गया जीरो, क्योंकि अभी ये नेचुरल लेंथ पे है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना उठा है ये ऊपर x, तो एम जी एक्स, और x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था एम जी बाई के, सो इट इज एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के। ओहो पहले कम एनर्जी था अब ज्यादा एनर्जी है, कहां से आया, कहां से आया ये एनर्जी? बिकॉज यू डिड सम वर्क ऑन दिस सिस्टम, यू डिड सम वर्क ऑन दिस सिस्टम। तो आप कहोगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एनर्जी एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू गेन इन मैकेनिकल एनर्जी, बाद में है एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई के, शुरू में था एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई टू के, तो कितना बार करना पड़ा एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाई टू के। आप में से कोई ये आंसर बोला लेकिन लॉजिक अलग था है कि नहीं? आप लोग सीधे ये आंसर को स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी को बोल रहे थे, जबकि आपका आंसर तो सही है लेकिन अंडरस्टैंडिंग इसके पीछे गड़बड़ था। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Okay. Now, let us see question number 8. Oh, you think? कौन गाड़ी कर रहा है? Sir, position B से समझ में आया। नहीं आया, समझ में है, very good. कितना बढ़िया है, देखो, समझ में भी नहीं आता। देखो, position B मतलब क्या बोल रहा है? इस block को उठाएंगे up to the natural length. Up to the natural length उठा के लाएंगे यहाँ पर, तो spring तो अभी natural length में है, तो उसमें स्प्रिंग एनर्जी कितना है जीरो, लेकिन ये यहाँ पर कितना पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग इसको रेफरेंस लिए थे, यहाँ से यहाँ तक लेने में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना बढ़ गया है, एम मास उठ गया है एक्स, तो एम जी एक्स, एक्स का वैल्यू क्या था एम जी बाई के, डाल दिए तो बन गया ये। तो पहले इतना एनर्जी था बाद में इतना एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से आया, यू मस्ट हैव डन सम वर्क, इसीलिए तो उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आया है। आप जितना वर्क करोगे उसका उतना एनर्जी बढ़ जाएगा है ना? है
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप को मैं बीच में डाल दिया गलती से, थोड़ा ये सब वाला क्वेश्चन बहुत करेंगे लेकिन हमारा फंडामेंटल क्वेश्चन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये जेई में आया था मेरे भाई, इसको कर लो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या दिया था क्वेश्चन? जेई का एडवांस का क्वेश्चन है, जेई मेन नहीं, जेई एडवांस का क्वेश्चन है। देख लो यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, स्प्रिंग है कॉन्स्टेंट K1, यहाँ पर दूसरा स्प्रिंग है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बार बार बोलता हूँ, थोड़ा अपने आप को रेडी कर लो आंसर बताने के लिए। ये कोई एक ब्लॉक है, इसको कोई एक ब्लॉक है जिसका मास नहीं दिया, जिसका मास नहीं दिया है, और इसको कुछ वेलोसिटी में फेंका गया, भी इज आल्सो नॉट गिवन। अब यहां पर क्या दिया है कि म्यू इज जीरो, कोई फ्रिक्शन नहीं, अब ये ब्लॉक जाएगा इधर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर वापस आएगा इधर स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, फिर जाएगा फिर इसको कंप्रेस करेगा, ये ब्लॉक दोनों के बीच में टेंस करने वाला है। इन फिगर सोन दी ब्लॉक ऑसिलेट्स बिटवीन द स्प्रिंग्स इफ X1 एंड X2 आर मैक्सिमम कंप्रेशंस in the two springs, find the ratio x1 by x2। ये एडवांस का क्वेश्चन है और आप में से काफी लोग बता दोगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी बताओ, मुझे मालूम है कि आप में से काफी लोग इसको बता दोगे, इतना तो स्मार्ट है हमारे बच्चे, वो भी क्लास 9 के, वो लोग सुनेंगे तो टोपी गिर जाएगा सर पे, ये क्लास 9 वाले पहले रह गए, अरे भगवान कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। चलो जल्दी जल्दी करो क्वेश्चन नंबर 9, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 9 लिखता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, रूट ओवर K2 by K1 पहला आंसर आया, एनी अदर आंसर? सेम आया, देखो मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया, मैं खुश हो गया, वही आंसर है, देखा मस्त, यही तो बात हुआ। हाँ तो आप लोग किस लोगों का हो गया, लोग इसको ट्राई करेंगे। चलो ये मानते हैं कि ये 2 मीटर है और यहाँ पर कोई एक स्प्रिंग है, इसका केस के है 20 न्यूटन पर मीटर और ये 2 मीटर हाइट से, चलिए हम मानते हैं कि एक 1 kg का ब्लॉक को गिराया, द 1 kg ब्लॉक वाज ड्रॉप ऑन द स्प्रिंग एज सून find maximum compression in spring, spring में maximum compression क्या होगा आपको बताना है, जिनका ये वाला नहीं हुआ उनके लिए। अरे ये ब्लॉक जो आएगा इसका मास क्या है मालूम नहीं है, हम अस्यूम कर लेते हैं, दिया नहीं है, हम अस्यूम कर लिए m velocity, वो भी अस्यूम कर लिए, वो क्या करेगा यहां पर आएगा और आके रुकेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, रुकेगा, स्प्रिंग इसको वापस ढकेलेगा, फिर यहां से वापस आएगा ऐसे 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 ऐसे, फिर यहां पे आएगा, यहां पर आके कहीं रुकेगा, है ना। तो हम देख रहे हैं कि इस केस में स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ x1, इस केस में x2। अच्छा जब ये यहां पर रुका और वापस आया तो यहां पे उसका वेलोसिटी क्या था, 0, है ना, शुरू में मान लो यू वेलोसिटी में फेंके थे, यहां पर वेलोसिटी क्या था क्योंकि यहां पर रुक गया है, वेलोसिटी वाज 0,
ओहो, तो ठीक है, जब वो यहां पर रुक गया था, इसका सारा काइनेटिक एनर्जी कहां गया था? इट वाज यूटिलाइज्ड इन इंपार्टिंग पोटेंशियल एनर्जी टू द स्प्रिंग। तो हम क्या कहेंगे? बाय बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, हम कहेंगे शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी था वो गया कहाँ? इट हैज बिकम द स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के टू एक्स टू स्क्वेयर। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर स्प्रिंग इसको वापस ढकेल के लाया और ये स्प्रिंग को छोड़ के वापस भागा। जब वापस भागा, स्प्रिंग में क्या एनर्जी था? कुछ नहीं। फिर ये आया इधर, इसको कंप्रेस किया, फिर रुक गया। मतलब अभी सारा काइनेटिक एनर्जी कहाँ गया है? अगेन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी बन गया है। कितना है? हाफ के वन एक्स वन स्क्वेयर। तो हमें तो एक्स वन बाई एक्स टू चाहिए था। आप इन दोनों को कंपेयर करो, क्या मिलेगा? एक्स वन बाई एक्स टू इज के टू बाई के वन का। इसीलिए तो मैं इतना खुश रहता हूँ तुम लोगों के ऊपर। एक्स वन बाई एक्स टू इज रूटोमीटर। ओ आई कैन नॉट एक्सप्लेन। देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, ये सब का हो गया क्वेश्चन नंबर 9 में। अरे तुम लोग आज बड़े फॉर्म में हो भाई, मस्त 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 मस्त। यू कैन कांटेक्ट द पर्सन हु आर टेकिंग कोचिंग इन द बोर्ड लेवल क्लासेस इन क्लास 11 हियर आल्सो। वो लोग भी नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे, करके देखो उनको। तो मैं उन लोगों से भी डिफिकल्ट कोचिंग तुम लोगों को दे रहा हूं। हाँ, तो खाली इतना है उनका ग्रुप में और तुम्हारा ग्रुप में। उनका ग्रुप में आई एम गोइंग बिट फास्ट क्योंकि ढेर सारा कोर्स है, तुम्हारे ग्रुप में स्लो जाता हूँ। अच्छा, इसमें हम कहेंगे कि सपोज सपोज ये आके कहीं यहाँ पे रेस्ट में आया, कितना कंप्रेस हो गया? एक्स। तो ऐसे करेंगे, लेट मैक्सिमम कंप्रेशन इज एक्स, मैक्सिमम कंप्रेशन इज एक्स। अच्छा, एट मैक्सिमम कंप्रेशन, जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ है तब हम क्या कहेंगे? व्हाट इज द वेलोसिटी? ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि रुका होगा, मैक्सिमम कंप्रेस हुआ है ना, वेलोसिटी जीरो। तो हम क्या कहेंगे? चलो इस पोजीशन को नाम देते हैं ए, इस पोजीशन को नाम देते हैं बी। अब ये ए से बी तक गिरा, बी पे आके रेस्ट में आ गया है। ए टू बी मोशन में क्या कहेंगे? ए टू बी मोशन में क्या गेनिंग काइनेटिक एनर्जी हुआ है? नहीं, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो था, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, गेनिंग काइनेटिक एनर्जी नहीं हुआ है। तो फिर क्या हुआ? देयर इज अ लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ गया एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी तो बना नहीं, दैट कन्वर्टेड इन टू स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कहेंगे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना गेन हुआ? पहले कुछ नहीं था, एक्स दब गया है तो हाफ के एक्स के। लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना नीचे आया? टू प्लस एक्स एम जी प्लस इंटू एच, एच की जगह टू प्लस एक्स। वैल्यू डाला जाए, के था 20, 20 बाई 2 इज 10, 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एम था 1 केजी, ये था 10, ये हो गया 20 प्लस 10 एक्स। अरे कितना इंटरेस्टिंग आया, 10 कट गया, सारे को एक तरफ ले आओ, मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमें तो x पता करना था और हमें आता है x, कैसे पता करेंगे? x इज कमिंग आउट टू बी माइनस बी दैट इज माइनस का माइनस 1 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का 4 माइनस 2 इंटू 1 होल पावर बाय 2a। कितना हो गया? ये हो गया 1 और ये हो गया 8 प्लस 8 9, 9 हो गया 3, 1 प्लस 3 हो गया 4, 4 बाय 2 इज 2 मीटर।
और दूसरा आंसर जो आएगा नेगेटिव आएगा, दूसरा आंसर जो आएगा नेगेटिव आएगा, x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हम कहेंगे आंसर हुआ 2 मीटर। कौन बोला था 2 मीटर? मैंने बोला था बिपिन। बिपिन और भी कोई बोला था? एक लड़की बोली थी कोई, सिक्रुति। सिक्रुति, तुम तो मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दिया आज। अरे वाह, मस्त है, मस्त है भाई, मस्त। इन फिगर शोन द ब्लॉक ऑन लेफ्ट वाज गिवन ए सडन वेलोसिटी वी, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग। हा, अब करना मुश्किल होगा, क्या कोई टाइप ट्राई करके बताएगा इसको, देखते हैं क्या आंसर है आपका। मैं लिखना चाहूंगा एम, बोलोगे रूट एम वी बाई 3 के, ऐसे ये था। चलो देखते हैं किसका आंसर सही होता है। क्या आप लोगों को मालूम है ऐसा केसेस में क्या होगा, मोशन बताओ। पहले ये पास जाएगा, ये पास जाएगा तो स्प्रिंग इसको ढकेलने लगेगा, लेकिन साथ साथ इसको ढकेलने लगेगा, तो दिस विल रिटार्ड, दिस विल अंडरगो रिटार्डेशन, लेकिन स्प्रिंग इसको पुश कर रहा है, दिस विल अंडरगो एक्सीलरेशन, मतलब इसका वेलोसिटी घटेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी घटेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ेगा। समझने के लिए थोड़ा फंडामेंटल बच्चों वाली अप्रोच लेते हैं, समझने के लिए आसान होगा। इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस को एस कहते हैं, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ये ए है, ये बी है। इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या था, वी, इसका जीरो। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब तक ये मान लो वी ए था, वी ए वाज मोर देन, शुरू शुरू में वी ए वाज मोर देन वी बी, VA VB से ज्यादा है, मतलब S बढ़ रहा है कि घट रहा है दोनों के बीच में, VA VB से ज्यादा है, VB जीरो है, VA तो V है, तो AC is decreasing है, उसके पास जा रहा है। अब V घटने लगा है और VB बढ़ने लगा है, एक समय आएगा when VA is equal to VB, है कि नहीं। जब दोनों VA दोनों का वेलोसिटी बराबर हो जाएगा, उनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। फिर क्या होगा, वेलोसिटी का ए का तो घट रहा है, बी का तो बढ़ रहा है ना, तो फिर कुछ समय के बाद वी ए वी बी से कम हो जाएगा। जब वी बी ज्यादा हो गया, वी ए कम हो गया, ये डिस्टेंस क्या होगा, फिर से बढ़ने लगेगा। तो ये हो गया अंडरस्टैंडिंग इसके पीछे। अंडरस्टैंडिंग क्या कहता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस घटता है, कॉन्स्टेंट होता है, फिर बढ़ता है। क्या आप सोच के बता सकते हो कब दोनों के बीच में डिस्टेंस मिनिमम था? जब दोनों के बीच में डिस्टेंस, यस, ये वेलोसिटी डिस्टेंस घटने लगा, कांस्टेंट हुआ, फिर बढ़ने लगा, मतलब जब कांस्टेंट हुआ तभी सबसे कम होगा, सबसे कम मतलब VA is equal to VB। ये चीज दिमाग में बैठ जाना, एक बहुत बड़ा खासियत है। क्या लोग, क्या आप लोग इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में लिए थे? नो नो सर, तो फिर तो आंसर गड़बड़ हो सकता है। चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं, तो क्या समझ में आया, तो आंसर गड़बड़ होगा। क्या समझ में आया, दस दस, जब एस मिनिमम है मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन है, समझ में आया, दस एस इज मिनिमम When VA is equal to VB, that is, so at maximum compression, देखो भाई तुम लोग कर रहे हो बोल के मैं दे रहा हूं डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, और डिफिकल्ट मतलब ये बहुत ही खूंखार क्वेश्चन है, इट्स नॉट फॉर जनरल पीपल। एट मैक्सिमम कंप्रेशन द ब्लॉक्स हैव सेम वेलोसिटी वी डैश, दोनों ब्लॉक का बराबर वेलोसिटी होगा। अच्छा,
तो चलो शुरू करते हैं फिगर को देख के। ये था ए, इसके साथ लगा स्प्रिंग, ये था बी। अब क्या हुआ कि ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया है, एट मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया है, तो स्प्रिंग ऐसा हो गया है। अब दोनों का वेलोसिटी वी डैश है। क्या आपके पास कोई तरकीब है पता करने की कि इसका वेलोसिटी वी था, इसका जीरो था, इसका वी डैश है, इसका वी डैश है, ये एम है, ये टू एम है, ये टू एम है, ये एम है। क्या आपको वी डैश निकालने का कोई तरीका आता है? हाँ आता है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या मिल गया? इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू एम वी डैश प्लस टू एम वी डैश, मतलब वी डैश इज इक्वल टू एम वी बाय थ्री, वी बाय थ्री। अच्छा, तो जब कंप्रेस हो गया स्प्रिंग में कुछ एनर्जी आया होगा, स्प्रिंग में कुछ एनर्जी आया होगा, ठीक है, तो स्प्रिंग में कुछ एनर्जी आया होगा, कहां से आया? देयर मस्ट बी सम लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहेंगे गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल कितना गेन हुआ है? अगर मैक्सिमम कंप्रेशन x है तो हाफ के x स्क्वायर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी पहले कितना था? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस बाद में कितना है? हाफ एम वी डैश स्क्वायर प्लस हाफ टू एम वी डैश स्क्वायर, दैट इज हाफ थ्री एम वी डैश स्क्वायर। जबकि वी डैश का वैल्यू है वी बाई थ्री, वी डैश का वैल्यू है वी बाई थ्री। थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ये हाफ हाफ को खा गया, क्या मिला? के स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर माइनस ये वी बाई थ्री हो गया, तो वी स्क्वायर बाई नाइन, थ्री कट गया, मिलेगा एम वी स्क्वायर बाई सिक्स। ये बात है, हाफ हाफ इधर कट गया तो इधर भी तो कट गया है, सारा हाफ कट गया तो और नहीं, एम वी स्क्वायर बाई थ्री है ना। तो इससे क्या पता चला? हमें तो x पता करना था, वो मिल गया, कितना? 2m स्क्वायर बाय 3k, 2m स्क्वायर बाय 3k का रूट ओवर इज द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। देख लो, समझ में आ जाना चाहिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आया कि नहीं आया समझ में? वेरी गुड। In figure shown, find maximum compression in spring. When block is released from position A, block is released from position A. चलो देखते हैं ये क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब ये ब्लॉक स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना करवाएगा? मान लो कि x करवाएगा, मतलब ब्लॉक यहां तक आएगा, और आपको मालूम है कि एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी जीरो। लेट x इज मैक्सिमम कंप्रेशन एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी इज जीरो। ठीक है, तो फिर ये ए से बी तक का मोशन को देखा जाए। ये बी पोजीशन है, यहां पर आ गया है ब्लॉक। नाउ ए टू बी मोशन में देयर इज सम लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये इतना नीचे आया है, कितना? 4 प्लस एक्स। तो हम कहेंगे
एम जी एच इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। एम कितना था 1 के जी, जी तो जी है, एच कितना है, एच है ये। अगर ये 4 है, ये एक्स है, ये 4 प्लस एक्स है, अगर ये 4 प्लस एक्स हुआ तो ये 4 प्लस एक्स साइन 30 हो गया, 4 प्लस एक्स साइन 30 है कि नहीं, ये 30 है, ये 4 प्लस एक्स है, तो ये कितना होगा 4 प्लस एक्स साइन 30, दैट इज इक्वल टू हाफ के हो गया 40 स्क्वायर। थोड़ा मार्केट करिए तो क्या मिला देखते हैं, जी को 10 ले लेते हैं, साइन 30 1 बाई 2, 1 बाई 2 हो गया 5, 5 इंटू 4 20 प्लस 5x इज इक्वल टू 20x स्क्वायर। थोड़ा सा जाके लिखते हैं 20x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और 4x स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस, x यहां से निकल सकता है, हो गया x यहां से निकल सकता है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हो। मैं x नहीं निकालूंगा, x आप निकाल सकते हो। इन फिगर शोन द चेन स्लिप्स फ्रॉम द पोजीशन शोन, फाइंड विथ व्हाट वेलोसिटी इट लीव्स द टेबल। ये जब फिसलेगा यहां से टेबल को छोड़ेगा कितना वेलोसिटी में, ठीक है क्वेश्चन नंबर 13। If the chain slips out, find with what velocity it leaves the plane, ठीक है पूछा कितना वेलोसिटी में चेन इस प्लेन को छोड़ेगा। दो सिंपल क्वेश्चन है, करिए। 12 का आंसर आया रूट ओवर ऑफ, इसका आंसर कितना आया रूट ओवर ऑफ सर रूट 3 जी एन बाय 2 बाय 2 रूट 3 ऐसे ऐसे। यस सर। अरे तुम लोग इतना जल्दी कैसे बनाते हो यार, तुम लोग सब क्या बताओ i5 का 9th जनरेशन प्रोसेसर इतना फास्ट, हो हो वेरी गुड सर। वो 13 है क्वेश्चन नंबर 13 सर, डिग्री 30 डिग्री। हाँ तो जिनका ये हो गया इसको मैं करता हूं, देखो कोई कहेगा ये क्लास 9 के बच्चे हैं, नहीं कहेगा, देखने वाले तो जल के धुआं हो जाएंगे, क्या ऐसे कर रहे हैं क्या। चलो ठीक है सॉल्यूशन बनाते हैं। अब ये फिसलेगा, दिया है कि ये जो झुलता हुआ पार्ट है वो एल बाई टू है, जब पूछा है कि जब ये फिसल के यहां पे आ जाएगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा, ऐसे पूछा है तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो देयर मस्ट बी सम लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब पहले कितना था माइनस बाद में कितना है।
आप इसको किसी एक रेफरेंस ले सकते हो। आप अगर इसी को रेफरेंस ले लेते हो, देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर इसी को रेफरेंस ले लेते हो तो शुरू में कितना था पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो था क्योंकि रेफरेंस के ऊपर रखा, इसका नेगेटिव था। कितना मान लेते हैं कि मास m है, दिया नहीं है, वी हैव अस्यूम्ड द मास टू बी m, अगर मास को m अस्यूम कर लिए हैं तो इसका तो कोई पोटेंशियल एनर्जी था नहीं, इसका था कितना था, वेयर वाज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज हियर इन द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, h रेफर्स टू द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी अबव द रेफरेंस। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे, लेकिन हाइट कहां, नीचे है, कितना नीचे है, l/2 का आधा, दैट इज l/4 नीचे है, तो लिखेंगे माइनस इसका मास कितना है m/2 g L by 4 माइनस कहां है बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज हियर, माइनस इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मास कितना है m g, कहां है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहां पे, कितना नीचे L by 2 माइनस L by 2। थोड़ा अगर सिंपलीफाई करें तो ये हो गया माइनस m g L by 8, ये हो गया माइनस माइनस प्लस MgL by 2, that is equal to half mv square, that is equal to half mv square, और यहां से सिंपलीफाई करें तो मिल गया कितना बताओ, ये m क्यों बार बार लिख रहे हैं, कैंसिल करो इसको दोनों तरफ से, gl by 2, it is 4gl by 8, minus gl by 8, is 3gl by 8, और ये 3gl by 4, और v हो गया, root over of 3gl, you don't know, कितना अच्छा लगता है टीचर को जब बच्चे फटाफट आंसर बता देते हैं, रसगुल्ला जैसे लगता है, तुम लोग मुझे रसगुल्ला खिला दिया आज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 भी दो बन जाना चाहिए उसी तरीके से, रूट ऑवर ऑफ 7gl by 8, ठीक है, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं, देखते हैं सही है कि गलत है, हाँ सही है कि गलत है, हम इसको रेफरेंस ले लिए, तरीका तो वही है जो था वही, आई अस्यूम द मास टू बी m, नाउ आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब वो फिसलेगा यहां पे उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, वही तो पूछा है कितना है, है कि नहीं, यही पूछा गया है कितना है काइनेटिक एनर्जी, तो हम कहेंगे that is equal to loss in potential energy, gain in kinetic energy कितना हो गया, पूरा मास v velocity में चल रहा है, अच्छा loss in potential energy is initial potential energy minus final potential energy, पहले कितना था, अब कितना है difference is loss, initially कितना था, initially इसका potential energy zero नहीं था, there was some value, कितना था रे भैया, था इसका center of gravity यहाँ बीच में होगा, मतलब ये distance कितना था, L by 2 का आधा, L by 2 का आधा is L by 4, ये L by 4 था, center of gravity यहाँ था, तो ये height कितना था, L by 4 sin 30, और ये mass कितना था, it was m by 2 g L by 4 sin 30, क्या मैं सबको समझा पा रहा हूँ, कोई गड़बड़ तो है नहीं, यस यस यस, माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ओ सॉरी सॉरी, इनिशियल कहां खत्म हुआ, इसका निकल गया, इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका तो नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, कितना नीचे है, L by 4, मास कितना है, m by 2, माइनस m by 2, g L by 4, ये पूरा चीज हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये तो सिंपल है, इसका पूरा का पूरा मास हैज इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी हियर, इट इज L by 2, तो इट इज m g L by 2 विद अ माइनस साइन, व्हाई, बिकॉज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द रेफरेंस, बिलो द रेफरेंस तो नेगेटिव होता है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, दिस माइनस दिस, थोड़ा इसको सिंपलीफाई करें तो sin 31 by 2 होता है, ये हो गया m g l by 16, m g l by 16 minus ये
ये कितना है एम जी एल बाई एट माइनस माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये था इनिशियल, फाइनल हो गया ये, माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा एम जी एल बाई टू। थोड़ा मारपीट करिए, क्या निकला, ये 8 है, ये 16 है, इसको 2 by 16 करो, इसको 8 by 16 करो, 6 गया plus 1 7 mgl by 16, ये हो गया loss in potential energy। अब और क्या रखा है कबीरा, सब कुछ तो बन गया, तो क्या मिला, half mv square is equal to 7 mgl by 16, हो गया 8, तो m तो गया, v का वैल्यू मिल गया, हा कितना बढ़िया है। सो v इज कमिंग आउट टू बी रूट ओवर 7 gl by 8 मीटर पर सेकंड। अच्छा, पक्का किसी अच्छे फिजिक्स टीचर के पास तुम लोग पढ़ रहे हो, नहीं तो इतना फटाफट कैसे आंसर बना, कोई तो होगा अच्छा फिजिक्स टीचर जो तुम लोगों को पढ़ा रहा होगा, इसीलिए आप लोग इतना बढ़िया करते हो, हैट्स ऑफ टू दैट फिजिक्स टीचर, है ना, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 4 केजी 2 केजी है, और ये कुछ बात ऐसा है, बोला कि जब आएगा 8 मीटर नीचे उसका वेलोसिटी क्या होगा, तो ठीक है हम तो तरीका वही लगाएंगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। जब इसका वेलोसिटी होगा भी, इसका भी तो वेलोसिटी भी होगा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, 4 केजी का हुआ हाफ 4 वी स्क्वायर, 2 केजी का हुआ हाफ 2 वी स्क्वायर। अच्छा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, 4 केजी नीचे आया है x, अगर ऐसे आया है x, ये एंगल 30 है, तो ये कितना है भाई, x sin 30, दैट इज x / 2, 8 मीटर आया है तो 8 by 2 is 4, मतलब 4 केजी नीचे आया है 4g8 sin 30, उसका लॉस हुआ है पोटेंशियल एनर्जी, इसका कितना लॉस हुआ, इसका लॉस कहां हुआ, इसका तो गेन हुआ है, ऊपर गया, कितना गेन हुआ है 2g8 sin 30, सेम चीज है, इसका गेन हुआ है 2g8 sin 30, इसका लॉस हुआ है, टोटल लॉस कितना हुआ है, इतना गेन हुआ है मतलब दिस मच लॉस हुआ है, तो क्या मिला देखिए, तो 2v² + v² 3v² इज इक्वल टू sin 30 होता है 1/2, 1/2 हो गया ये, तो हो गया 16g - 8g इज इक्वल टू 8g और दैट इज 80 और v इज 80/3 रूट ओवर। तुम लोगों का आंसर क्या आया था, ये आया था क्या, यही आया था आंसर, तो फिर गड़बड़ कहाँ हो गया, मेरा तो ठीक है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सो आप लोग ये आंसर में तो गलत कर दिए, जबकि क्वेश्चन सिंपल था, है ना, देख लो मेरा कहीं गलती तो नहीं है, नहीं ठीक है, मेरा तो सही है।